नमस्कार, स्वागत है 7i न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आकाश द्विवेदी। फिलहाल वक्त हो चुका है खबरों का, लेकिन खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने कहा, योग सबका है, सब योग के हैं, जीवन का हिस्सा बनाएं। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक आज, रिफंड और चलान पर होगा फैसला। इस बार जुलाई में ही जारी होगा यूपी बोर्ड परीक्षा का कार्यकाल, फरवरी में शुरू होगा परीक्षा। एटीएम के छेड़छाड़ कर बैंकों से 50 लाख की ठगी, 4 आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यकाल में 40,000 लोगों के साथ योग किया। प्रधानमंत्री ने प्रभात तारा मैदान में उपस्थित लोगों से कहा कि योग हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और हमें इसके प्रसार के लिए आगे आना चाहिए। मोदी ने कहा कि योग से शांति और सौहार्द जुड़े हैं और दुनिया भर में लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समय आ रहा है कि योग को गांवों तक ले जाया जाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अब मुझे आधुनिक योग की इस यात्रा को शहरों से गांवों, गरीबों और आदिवासियों के घर के तरफ ले जानी है। मुझे योग को गरीब और आदिवासियों के जीवन का अभिन्न अंग बनाना है, क्योंकि बीमारी के कारण सबसे ज्यादा दर्द गरीबों को होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को पहली बार होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसमें कारोबारियों के लिए जीएसटी रिफंड आसान बनाने और ई चालान की बेहतर व्यवस्था लागू करने पर फैसला हो सकता है। यूपी बोर्ड के परीक्षा के इतिहास में यह पहली बार होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने घोषणा की है कि वर्ष 2020 में होने वाली यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटर परीक्षा की समय सारिणी इस बार जुलाई में ही जारी कर दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा फरवरी से पहले हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षा के इतिहास में यह पहली बार होगा कि जुलाई में ही परीक्षा का कार्यक्रम तय हो जाएगा। इससे माध्यमिक विद्यालयों को पाठ्यक्रम पूरा कराने और विद्यार्थियों को तैयारी की रणनीति बनाने के लिए काफी समय मिलेगा। कैश निकालते समय एटीएम मशीन में छेड़छाड़ करके बैंकों को चपत लगाने वाले 4 सदस्यीय गिरोह को राजधानी की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पिछले 6 महीनों में 105 वारदातों को स्वीकार किया है। आरोपियों पिछले 3 साल से बैंकों के साथ छेड़छाड़ी कर रहे थे। 6 महीने से एटीएम में छेड़छाड़ कर लगभग 50 लाख रुपए निकाल चुके हैं। इस काम को गिरोह अपनी जालसाजी की भाषा में कार्ड खेलना बताते हैं। इस खेल के लिए बकायदा रिश्तेदारों और दोस्तों के कमीशन पर एटीएम भी लिए जाते हैं। मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का है। 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महलपुर में योग किया गया, जहां संस्था के अधिकारियों के साथ साथ ग्रामीणों ने भी योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महलपुर छिंदवाड़ा स्कूल भवन में आकाशवाणी एवं टेलीविजन के माध्यम के संस्था के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने साथ साथ ग्रामीणों ने भी योग एवं प्राणायाम किया। छिंदवाड़ा से नकुल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सागर जिला की तहसील केसली में किसान बीमा खसरा की नकल निकलवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। हरिशंकर गोस्वामी निवासी ग्राम जैतपुर ने बताया कि हम लोग 6 तारीख से तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, पर आज भी बीमन खसरा की नकल शुल्क जमा करने के बाद भी नहीं उपलब्ध कराई जा सकी है। कभी कंप्यूटर ऑपरेटर बोलता है कि स्याही नहीं है, तो कभी बोलता है कि साइट नहीं चल रही है, जिसकी शिकायत लोगों ने तहसीलदार से की है, पर बीमन खसरा की नकल निकलवाने वाले जिम्मेदार कंप्यूटर ऑपरेटर पर कोई असर नहीं हुआ है। नाम क्या है आपका? हरिशंकर गोस्वामी जी। कहाँ से आए? जैतपुर लोग जी। आज तहसील कार्यालय में खड़े हैं आप जी। सुनने में आया है कि आप बार बार आ चुके हैं, कौन सा कार्य करवाने के लिए आए हैं आज? सर तो सुनते ही नहीं, नकल न करवाना। अच्छा, बीमन खसरा की नकल न करवाना जी। तो कितनी बार आ गए तहसील कार्यालय? 20 बार। अच्छा, तो कौन निकालता है? 6 तारीख के लगाओ तो आगे डेली आ रहा है। डेली आ रहा है 6 तारीख से। अच्छा, तो आपने कहा था स्याही नहीं है, कम के लाइन नहीं चल रही। अच्छा, तो ये जो समस्या है इसमें आपने तहसीलदार साहब को बताई? जी। क्या कह रहे थे तहसीलदार साहब? तहसीलदार साहब काम कर रहा है। अच्छा, मतलब ये ठेका पे काम कर रहे हैं, तो तहसीलदार नहीं बोल सकती इसमें? अच्छा अच्छा, कौन है ऑपरेटर? कौन है वो? क्या कह रहे हैं आपने? वो कहा कह रहे हैं देवरी चले जाओ, सागर चले जाओ। मतलब हम नहीं निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, जब निकाल जाए जब ले जाए ना, हमारे साथ काम रखो। अच्छा, बहुत किसान है हमारे संग में, और भी किसान है। सागर के केसली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झारिया सेमरी में पीड़ित प्रवेश रानी ने पुलिस अधीक्षक सागर के यहां दोषियों पर कार्रवाई करवाने की गुहार लगाई।
पीड़ित प्रवेश रानी ने बताया कि उनके पुत्र पर हरभजन हरि सिंह राहुल सुनील ने झूठी शिकायत संबंधित मामला टांडा चौकी में दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस कर्मी घर से पति चंदन को चौकी ले गई थी और देर रात्रि 12 बजे छोड़ दिया और आधे घंटे बाद पति चंदन ने दम तोड़ दिया। पीड़ित महिला महीनों से दोषियों पर कार्रवाई करवाने के लिए चक्कर लगा रही है पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। कहाँ से आई हूँ? क्या हो गया? हमारे पति हम गए थे हारे सूता काट रहे थे छेलिया, इन्हें रोको हुए मारपीट करी। कौन काट रहा था छेलिया? चंद्रभूषण नहीं उनके आज। हाँ अच्छा, तो हमारे घर है, हमारे पति हैं, छोड़वे आए। हाँ छोड़वे आए, फिर 10 मिनट बाद उनको लड़का आओ। फिर वे 10 मिनट बाद घर लोग पहुँचे हुए थे, हमारे पति ही मैं गिर पा रही थी, फिर धर ले आए सोते लोग आकर। फिर हमारी छेल गया काटी, छेल गई छेल गई पे हो, छेल गई पे हो तो मारो पीट हुआ है। क्या नाम आपका? जगन्नाथ। कहाँ से आए? महलवाड़ा। महलवाड़ा में क्या हो गया? क्या हो गया वहाँ? वहाँ हमारे पिताजी को मार दिया। किसने मारा है? महाराज ने। चंद्रभूषण। कितनी देर, कितने बजे घटना है? 8 बजे, 8:30 बजे की। अच्छा, घर आए थे दोनों बाप बेटा, छोड़ने पूरी छेलिया काट, पूरी छेलिया काट ले। भैया क्या नाम आपका? महेश नाम। महेश पूरा नाम क्या है? महेश सेन। कहाँ से आए? कांकरदार। क्या हो गया है जी? ये मेरे पापा को भराज ने मार दिया है। खेत पे गए थे ना, तो पापा के पेड़ लगे थे, 400 पेड़ लगे थे, तो एक तरफ से पूरे पेड़ काट लिए और वो उनके घर पे छोड़ आए। महाराज खुद आए, उनके दसवीं में लटवा उनका बालक आया मन लगा। क्या नाम? दसवीं में लटवा। क्या नाम उनका महाराज का? चंद्रभूषण। चंद्रभूषण समदर्ज। सागर पुलिस थाना केसली अंतर्गत नन्ही देवरी के ग्राम भुसौरा के निवासी रोहित दुबे खेत पर सो रहा था। करीब रात्रि 11 बजे युवक पर हमला किया गया, जिसमें रोहित ने बताया कुछ लोग उसके पलंग के पास आकर उसकी आंखों को कपड़े से बांध दिया। उसे पलंग से उठाकर एक अनजान जगह ले गए, जहां पर एक ने रोहित के गले पर पैर रखा और दूसरे ने मुंह पर कपड़ा लगाया और कुछ लोगों ने चोट मारना शुरू कर दिया और पूरे शरीर पर कुछ नुकीले वस्तु से खरोचा। कुछ मिनट बाद उसी जगह पर उसे छोड़ दिया गया। सागर से ब्यूरो अमित संधंदोरिया की रिपोर्ट। केसली विकास खंड के ग्राम सहसपुर में बीती रात मकान में अचानक आग लग जाने के कारण मकान धू धू कर जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद मकान में रखा गैस सिलेंडर फट गया। गैस सिलेंडर फटते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया, देखते ही देखते आग भड़क गई और आग इतनी भयानक थी कि पूरा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर केसली से थाना प्रभारी सहित पुलिस प्रशासन पहुंचा। लोकतंत्र के सजग प्रहरी पत्रकारों पर आए दिन हो रहे प्राण घातक हमलों से एक ओर जहां पत्रकार जगत सकते में है, जिससे कि अब पत्रकार जगत अपनी सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन से पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट की मांग ने जोर पकड़ लिया है। साथ ही शाहगढ़ थाना में एक पत्रकार को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, जिसके विरोध में गुरुवार के दिन आयसना पत्रकार संगठन ने पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। रायगढ़ से सामने आया है कि पत्रकार को जिंदा जला दिया गया है, इस समक्ष में छतरपुर जिले से किस प्रकार की पत्रकारों द्वारा पहल की गई है? इसमें जो हमारे पत्रकार बंधु है उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन सौंपा है, जिसको मैं तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवा रहा हूँ और हम लोग की चर्चा हुई और लोकल लेवल पे क्या प्रयास करे जा सकते हैं जिससे कि सिटीजन प्रोटेक्टेड रहे, उस पर बात की। दमोह जिले के समन्ना गांव में एक अनियंत्रित ट्रक शादी समारोह वाले मकान में जा घुसा, जहां दूल्हे के बहनोई के ऊपर ट्रक का पहिया चढ़ गया, जिससे बहनोई की मौत हो गई। एक अन्य रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है। पता चला है कि ट्रक चालक मोबाइल से बात कर रहा था। कितनी देर पहले हो गया? जी अभी 10-20 मिनट पहले हुआ। क्या नाम आपका? अजय कुमार राय नाम। शादी किसकी थी? शादी चाचा के बच्चे की या भाई की है मेरे। अच्छा, तो ऐसा होगा कि वो तो सब लोग यहाँ व्यस्त थे ना, तो कुछ बच्चे ऑटो में भी बैठते हैं, कुछ वहाँ छाया में भी खड़े हो जाते। अब रिश्तेदार थे एक बहनोई साहब, वो तो सीरियस है, उनको दमो भेजा है। अब क्या नुकसान हो गया इससे? अब उससे नुकसान तो जो मकान भी टूट गया पूरा, ऑटो भी मिट गया पूरा, और सीरियस ही।
देहात थाना क्षेत्र के समन्ना गांव में शादी समारोह चल रहा था, जहां दूल्हे के विदाई की तैयारी हो रही थी। इसी बीच अचानक दमोह से कटनी जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित मकान में जा घुसा, जहां हीरापुर गांव से आए दूल्हा के बहनोई धर्मेंद्र राय एवं बलिराम राय ट्रक की चपेट में आ गया। दोनों गंभीर घायलों को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से धर्मेंद्र को जबलपुर रेफर किया गया, परंतु धर्मेंद्र ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बुंदेलखंड के दमोह जिले में जहां पानी के अभाव में जंगली जानवर दम तोड़ रहे हैं, वहीं शिकारियों के चंगुल से जंगली जानवरों को अपने अस्तित्व को बचाना मुश्किल हो गया है। गुरुवार की रात 10:30 बजे कोतावली पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिली थी कि समन्ना के पास में हिरण का शिकार किया जा रहा है। इसके बाद कोतावली पुलिस व वन विभाग की टीम ने जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर 4 घंटे की मशक्कत के बाद समन्ना से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से हिरण का पका हुआ मांस एवं उसके अवशेष के साथ साथ भरमार बंदूक भी जब्त किया है। डिप्टी रेंजर आरडी शुक्ला ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 6/2019 को 10 बजे मुझे सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस द्वारा कि समन्ना क्षेत्र में अवैध शिकार हिरण का हुआ है, तो फिर मैंने अपनी टीम वन परिषद कार्यालय की पूरी टीम को भेजा और कोतवाली में संपर्क करवाया। तब वहाँ से कोतवाली से पुलिस और हमारा वन स्टाफ जाकर के लुधौरा और समन्ना से उन्होंने मुखबरी के आधार पर जाकर के छापा मारा आदमी के यहाँ, तो 4 आरोपी पकड़े गए। एक आकित खान के हाथ से बंदूक वहाँ से जब्त की गई और चावल और मांस से सना हुआ जब्त किया गया और कुछ मांस भुना हुआ दूसरे अपराधियों से जब्त किया। ये मांस किस चीज़ का है? मांस जो है अब अभी तो उनकी बताया अनुसार बता रहे कि हिरण का है और जांच पड़ताल करने पर पता चलेगा कि किस जानवर का है। सर माने कि बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे शिकार हो रहा है शिकारी? नहीं, ये नहीं बता सकते। वो बड़े पैमाने पर अभी है कि अब आज पकड़ा गया है तो समझ में आया है कि ये अपराध होता है। शिकार की और भी सूचना मिलती हैं आप लोग? और भी सूचना अभी तक तो नहीं मिली, मेरे कार्यकाल में प्रथम सूचना है और 4 आरोपियों को ला करके और कार्रवाई की गई। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। कुल मिलाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब यह देखना है क्या वन्य प्राणियों पर होने वाले हमले एवं शिकार बंद हो जाएंगे, कब तक भोजन के रूप में उनका उपयोग बंद हो जाएगा अथवा इसी तरह से शिकार होते रहेंगे और आरोपियों की गिरफ्तारी की औपचारिकताएं चलती रहेंगी। दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। दमोह जिले में चिल्लर पुजारी की समस्या बनी हुई है, सबसे ज्यादा परेशान है जिन्हें चरण उत्तरी एवं दक्षिणा के रूप में सबसे ज्यादा सिक्के ही मिलते हैं। अब फाइनेंस कंपनी एवं दुकानदार चिल्लर लेने से मना कर रहे हैं, यही कारण है कि पुजारियों को अब पुलिस की शरण में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी तरह का एक मामला शहर के कोतावली क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक फाइनेंस कंपनी ने पुजारी से चिल्लर के रूप में किस्त जमा करने से मना कर दिया। पुजारी पुलिस की शरण में पहुंच गया। मामला दमोह का है। क्या है पूरा मामला? मैं अनुराग उपाध्याय, मेरे पिताजी जटाशंकर राम मंदिर में पुजारी हैं। हमारे यहाँ पे चढ़ोतरी में 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के आते हैं, चिल्लर से हमारे पूरे परिवार का जीवन यापन होता है। आज मैंने एक गाड़ी श्रीराम प्राइवेट कॉरपोरेशन लिमिटेड से एक गाड़ी फाइनेंस कराई थी जनवरी में, उसकी जब आज हम 5वीं किस्त डालने के लिए गए तो जब मैं चिल्लर लेके पहुंचा तो उनने चिल्लर लेने से मना कर दिया। उसके बाद हमने तुरंत आके एडिशनल एसपी साहब को एक आवेदन दिया। आवेदन में एडिशनल एसपी साहब ने तुरंत कोतवाली जाके FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। SSP दमोह विवेक कुमार लाल ने कहा कि पुजारियों की समस्या का पुलिस प्रशासन को समाधान करना पड़ रहा है, यही कारण है कि फाइनेंस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। क्या है सर ये मामला? ये जटाशंकर मंदिर के पुजारी राहुल उपाध्याय मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए थे जी। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि मैं चिल्लर लेकर के श्रीराम फाइनेंस कंपनी गया था, क्योंकि मैंने वहाँ से अपनी एक बाइक फाइनेंस कराया था। उस बाइक फाइनेंस की जो इंस्टॉलमेंट थी उसकी आज लास्ट डेट थी, क्योंकि वो चिल्लर लेकर के गया था, चिल्लर लेने से मना कर दी फाइनेंस कंपनी वाले, जिसके संबंध में उनका आवेदन कोतवाली
कार्रवाई के लिए भेजा गया। क्या कार्रवाई की जाएगी उसमें? ये जो एक्ट बन रहा है उसके तहत कार्रवाई। आप देखना यह है कि पुजारियों के लिए समस्या बनी चिल्लर फाइनेंस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा। दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। मंडला जिले के नारायणगंज विकास खंड क्षेत्र में मेह गांव के पास नर्मदा नदी के झांझर घाट पर अचानक से नाव डूब गई। नाव में 15 लोग सवार थे जिसमें से 10 लोगों को दूसरे नाव के सहारे बचा लिया गया है जबकि 5 लोग डूब गए हैं जो अब तक लापता हैं, जिसमें 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। रेस्क्यू मंडला सिवनी एवं जबलपुर जिले की टीम कर रही है। टीम के साथ स्थानीय पुलिस सहयोग कर रही है। सभी नौका सवार सिवनी बघारी गांव में शादी समारोह से लौट रहे थे। मौके पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर सर्चिंग करा रहे हैं। फिलहाल डूबे हुए लोगों को बचने की आशंका कम जताई जा रही है। मंडला से अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 7i न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।